नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने यह कहा है कि अगर कोरोना वायरस महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग और उनके घरेलू सत्र का आयोजन नहीं हो पाता है तो उनके देश के क्रिकेटरों को बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें स्थिति को स्वीकार करना होगा क्योंकि इसमें हम सब एक साथ हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पहले ही कह चुका है कि वो आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा करेगा और अब सरकार ने यात्रा पाबंदियां भी लगा दी हैं, जिससे इस टी20 लीग के बाद में शुरू होने पर भी उसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों का भाग लेना मुश्किल हो सकता है। आईपीएल पहले 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन अब उसे 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। फिंच ने रेडियो स्टेशन SEN से कहा है कि जब आप राजस्व साझा करने के मॉडल का हिस्सा होते हैं तो ऐसे में संगठन के मुश्किल में पड़ने पर आप भी प्रभावित होते हैं। हम समझते हैं कि इसमें हम सब एक साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लंबे समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब होगा। ऑस्ट्रेलिया के कम से कम 17 क्रिकेटरों का आईपीएल के साथ अनुबंध है। इसके अलावा उसके कई अन्य लोग भी मैदान से इतर इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अब टीम्स के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, कोचेज होते हैं, वो भी सभी ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेटर्स रह चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से एक तरीके से वो जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को इस साल के आखिर में टेस्ट श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए भारत की मेजबानी भी करनी है। फिंच को भारतीय कप्तान विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलना है। उन्होंने कहा कि हमने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया। यात्रा को लेकर सलाह पिछले कुछ घंटों में बदल गई है। ये 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में बदल सकती है। कुछ भी योजना बनाना मुश्किल है। आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर धन वर्षा होती है, सभी को पता है। नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सर्वाधिक कीमत पर बिके थे। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल को भी मोटी धनराशि पर खरीदा गया था। रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स के, जबकि एंड्रयू मैकडॉनल्ड राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं। पूर्व टेस्ट बल्लेबाज साइमन कैटिच RCB के कोच हैं, जहां उनके सहायक एडम ग्रिफिथ हैं। ये सभी भी ऑस्ट्रेलियाई के बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इसीलिए एक तरीके से एरॉन फिंच कह रहे हैं कि भाई अगर अब की बार आईपीएल नहीं हुआ तो हम कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा इस लीग के साथ इन सभी का जुड़ा हुआ है।